सेक्स के लिए तड़पता है यह रोगी जिसको बोलते हैं निम्फोमैनिया। इसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 15-20 दिनों में मेरे पास में दो लेडीज आई जिनको लाया गया एक्चुअली, जिनको निम्फोमैनिया था। निम्फोमैनिया ये एक बीमारी है, लेडीज को ज्यादा होती है या लेडीज में ज्यादा दिखाई देती है, जिसमें सेक्स के लिए तड़पती है वो महिला। उसको सेक्स चाहिए, उसके लिए उसका उसकी संतुष्टि होती नहीं है, समाधान मिलता नहीं, वो तड़पती है, रेस्टलेस होती है। इसमें एक जो महिला थी उसकी शादी होने को भी अभी 4 साल हो गए, उसको 3 साल का एक बच्चा है और उसके माँ बाप ने उसको लाया। बोले शादी के पहले भी इसका ऐसा था कि कहीं ना कहीं जाके वो दोस्ती करेंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, उनके साथ में फ्रेंडशिप करेगी। हमको उसका एक दो बार अबॉर्शन भी करना पड़ा। शादी के बाद में भी वो अभी हस्बैंड से संतुष्टि है, ऐसा नहीं कि संतुष्टि नहीं है, बच्चा हुआ है और तभी भी वो देखती है कि किसके साथ में करो, किसके साथ में मैं सेक्स करूं और मेरी संतुष्टि कर लूं। 2 बार वो भाग भी गई तो इसके बाद में भी हस्बैंड उसको रख रहा है और उसका इलाज करने को तैयार है। फिर मेरी जिज्ञासा जागृत होगी भी ऐसा क्यों है फिर इतना होने के बावजूद भी। तो फिर पता चला कि हस्बैंड को भी कुछ प्रॉब्लम है, उसका शारीरिक व्यंग है, हैंडीकैप्ड है और इसमें उसने उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई अपना तो चल रहा है घर कैसा ना कैसा, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मगर उसके माँ बाप ने इसको मेरे पास में लाया। तो ये हो गया निम्फोमैनिया। ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, एक मैनिया का प्रकार है। दूसरी एक लड़की जो मेरे पास में लाई, उसकी शादी होने की है मगर उसके अभी तक 4 बॉयफ्रेंड हो गए, 2 बार वो भाग के चली गई। ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब दोस्त है और वो प्यार में पड़ी है, मतलब ऑन द कॉन्ट्री उल्टा ऐसा हो गया कि जिनको वो पुकार रही थी, बुला रही थी, जिनके साथ में बात कर रही थी, जिसके साथ में वो पुणे में गई और वहां एक दिन बिताया, तो उसने ही फोन करके बताया कि देखो तुम्हारी लड़की ऐसा ऐसा कर रही मेरे साथ। मतलब उसकी इच्छा नहीं थी मगर अभी कोई लड़की आती है साथ में सोती है तो उसने तो जो भी करना था वो कर लिया, मगर उसने इन्फॉर्म कर दिया कि देखो आपकी लड़की, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई प्यार भी नहीं है, मगर वो मेरे पीछे पड़ गई है। मतलब ऐसा 2 बार 2 लड़कों ने किया है। 2 लड़कों ने तो ठीक है प्यार का नाटक किया होगा जो भी कुछ, मतलब ऐसा 4 बार हो गया कि वो लड़की अलग अलग लड़कों के साथ में व्यवहार करती है, सेक्स करती है, चले जाती है, फिर उसको पकड़ के लाते हैं घर में, और ये मैनिया का प्रकार है, ये इसको निम्फोमैनिया बोलते हैं। तो इसका इलाज है, इसमें हम मेडिसिन देते हैं, एंटीसाइकोटिक एंटीमैनिक मेडिसिन दी जाती है और बहुत ही ज्यादा हो गया, कंट्रोल के बाहर है, वायरल हो जाती है तो शॉक ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। लेडीज में ज्यादा पाई जाती है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं है। बहुत सारी लेडीज मेरे पास में आती है, बोलते कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो अलग अलग औरतों के साथ में संबंध रखता है, बाहर रहता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो बाहर ही रहता है, रात में आता ही नहीं घर पे, मुझे मालूम है कि वो अभी बाहर कोई ना कोई किसके साथ में सोया होगा और अभी उसका बहुत ज्यादा सेक्स है और घर में भी आता है तो बहुत सेक्स करेगा, फिर क्यों रह रही है। मैंने पूछा, बोले भी क्या करूं, मजबूर हूं, हाउसवाइफ है, डिपेंडेंट है, छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं, तो चला रही, इसलिए वो आती है कि भाई इसको कुछ ना कुछ दो। तो जो हस्बैंड्स मतलब जो मेल्स के लिए जो स्त्री महिलाएं आई थी तो उनको भी दवाइयों से बहुत फर्क पड़ गया, मतलब उनको बिना बोले, ये जो महिला जो मेरे पास में 2 महिलाएं आई थी कि जिनके हस्बैंड का प्रॉब्लम था, तो उनको बिना बोले दवाई दिया। जो दवाई ऐसी आती है कि जो लिक्विड है पानी जैसी है, मालूम नहीं पड़ता है, पानी में मिला दिया तो मालूम नहीं पड़ता है, कायमी में डाल दिया, दाल में, चावल में, मालूम नहीं पड़ता है कि दवाई है, और उसमें काफी कंट्रोल हो गया उसका, मतलब वो जो बाहर जाता था वो रहे, मतलब वो घर में रहना चालू हो गया। लड़कियों का भी है, जो 2 लड़कियां हैं इनको मैंने दवाई दिया और उनको एंटीमैनिक दवाई दिया, इसमें लिथियम का इस्तेमाल हो सकता है, सोडियम वेलप्रोएट का इस्तेमाल हो सकता है, डायवेलप्रोएट सोडियम का इस्तेमाल होता है और एंटीसाइकोटिक तो देते देते और उसमें बहुत फर्क पड़ जाता। कभी ऐसा होता है कि इसके पहले जो एक लड़की आई थी उसका तो बहुत वायलेंट हो जाती थी, वो पकड़ना मुश्किल, घर के बाहर जाने दो, बाहर घूमने दो, और फिर उसको पकड़ के लाओ तो उसको फिर हमको शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़े, अच्छी हो गई। एक लेडी ऐसी थी, एक लड़की कि जो अपने पिताजी के साथ में रह रही है, खुद को बीमारी है, निम्फोमैनिया है और उसमें इम्पल्सिवली उसको खुद को जला लिया। अब जलाने के बाद में ऐसा हो गया कि उसके चेहरे के ऊपर दाग भी आ गए, जख्म ठीक नहीं हुए, तो दिखने में वो ठीक नहीं दिख रही थी। नेचुरली शादी करने में प्रॉब्लम, वैसी बाकी अच्छी बातें करती है। पिताजी उसको लाते मेरे तरफ, पिताजी बोलते हैं कि भाई ये लड़की जो है, जैसे ही पिताजी बाहर चले जाते हैं काम के लिए, दोनों ही रहते हैं, वे किसको ना किसको बुला लेंगे, बाहर जाएंगे कोई ऑटो वाला जा रहा है उसको बुला लेंगे, घर में किसको भी बुला लेंगे, फोन करके बुला लेंगे, कोई नंबर जिसके पास में है या तो फिर फेसबुक इंस्टाग्राम से कहीं जोड़ लेंगे रिश्ता, उनको बुला लेंगे और वो सेक्स में इंडल्ज। तो ये सभी जो है निम्फोमैनिक, इसका इलाज हो सकता है और इलाज क्या, तो ये
लड़कियां ठीक हो सकती है, आदमी भी ठीक हो सकते हैं और अपना जीवन अच्छा बिता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा था जरूर लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, लोग बोलते नहीं है, ये बाहर ज्यादा इसकी चर्चा होती नहीं है, और जब चर्चा होती नहीं है तो मालूम नहीं कि भाई इसका इलाज करना है करके। घर में मारपीट ठोकते हैं, उसको घर में रखते हैं और उसको मतलब ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली दवाई से ठीक हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच।